वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूँ राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ बेस्ट एजुकेशनल स्टडी टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। तो यहाँ पर हमारे पास 12th एग्जामिनेशन के 2018 में जो फिजिक्स का प्रश्न पूछा गया है उसका क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन आपको करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस डालूँगा। ये वीडियोज़ फिजिक्स के होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। 2018 है, फिर 2017, फिर 2016। आज फिजिक्स का अपलोड हुआ है, कल मैथमेटिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, फिर इंग्लिश का। मैं सारे के सारे 2018 के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर जो है, जो इसका आंसर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन अचालक देता तो आंसर ये होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है चालक, तो चालक में आंसर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर अचालक देता तो इसका आंसर होता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन पेपर की ओर चलेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, मतलब इन दोनों को श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा गया है, 12 वोल्ट का इनके बीच विभवांतर है। अब बताइए कि ये जो 2 माइक्रोफेराड है इनके बीच कितना वोल्टेज मतलब इसको मिलेगा। चलिए आइए तो सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है इसका कि दोनों संधारित्र दिया हुआ है, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। तो सीरीज कम्बिनेशन में सबसे पहले यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने का यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला लगा चुका हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला 1/C मतलब फाइनल धारिता जो है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 3/4 माइक्रोफेराड आया है और सी निकालने के लिए फिर मैंने इसको पलट दिया है यानी 4/3 माइक्रोफेराड। उसके बाद फिर मैं ये पता करूँगा कि पूरा मतलब नेट जो ये सीरीज कम्बिनेशन जो किया गया है उसमें नेट कितना, ये जो सीरीज कम्बिनेशन किया गया है उसमें नेट कितना आवेश है उस पर। तो फॉर्मूला होता है C=Q/V, ठीक है। तो मैं आवेश Q निकाल रहा हूँ, Q=CV, तो Q का वैल्यू C यानी 4/3 माइक्रोफेराड इंटू V का वैल्यू जो हमारा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इधर 1200, वो मैंने 1200 यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फाइनल वैल्यू आ गया काट मतलब पूरे कैलकुलेशन के बाद 1600 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब मैं पहले ये देखना चाहता हूँ, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 माइक्रोफेराड पे कितना ये इसका 2 माइक्रोफेराड पे कितना इसका विभवांतर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला देखा सी इज इक्वल टू Q/V, तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1, ठीक है। तो Q यानी टोटल आवेश 1600 बटा C1 का 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड तो ये कट जाएगा 800 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है, दिए गए चित्र में Q पर प्रभावी बल 0 है, तो Q(Q)/q का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 Q हैं, दोनों में से किसी पे भी आप प्रभावी बल 0 मान सकते हैं, तो मैंने नीचे वाले पर प्रभावी बल 0 मानना है। अब यहाँ पे इस पे 3 तरह के बल काम करेंगे, एक बल काम करेगा इसकी वजह से, एक बल काम करेगा इसकी वजह से और एक बल काम करेगा इसकी वजह से, और इन तीनों बलों का जो नेट बल है वो 0 होगा। चलिए तो ये एक न्यूमेरिकल और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, सबसे बेस्ट है। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं मुझे कि सर ये क्वेश्चन आप डील कर दीजिए, तो मैंने भी सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको डील कर देता हूँ। तो आइए सॉल्यूशन पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करके रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। सबसे पहले मैं ए और बी यानी कि कहने का मतलब है इस क्यू की वजह से इस पे जो लगने वाला बल है, जो फोर्स है, वो मैंने यहाँ पे F1 निकाल लिया है। फॉर्मूला कूलॉम का
कुलॉम का लॉज लगाया है मैंने, कुलॉम के रूल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, यानी यहाँ का वैल्यू क्यू और इसका वैल्यू भी क्यू और इनके बीच के डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये जो लगेगा फोर्स वो ए बी के अकॉर्डिंग लगेगा, ए बी के अनुदिश मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू ए बी, यानी ए बी के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने एफ टू लिया है इस क्यू के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, इसको लिया है और इसका जो डायरेक्शन है वो सी बी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों फोर्स जो है, जो वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है जो इसका रिजल्टेंट, और दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री का है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा इस तरह से निकलेगा। वेक्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर रोक के वीडियो को और देख लें कि किस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है और इसका रिजल्टेंट फोर्स निकला है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा उसका डायरेक्शन ये डी से बी की तरफ यानी डी बी के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग? डी बी के अकॉर्डिंग। तो ये जो पूरा फाइनल नेट फोर्स, फोर्स 1+2 आप देख रहे हैं, यानी 1 और 2 को जोड़ के जो नेट फोर्स निकला वो इतना निकला। अब एक और फोर्स है कैपिटल क्यू के कारण, इस कैपिटल क्यू पर फोर्स, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आर है, ये आर है, तो ये इसका डायगोनल जो है यानी कि जो विकर्ण है वर्ग का वो हो जाएगा √2R। तो यानी कि इसका जो फाइनल फोर्स है, फिर देखिए मैंने यहाँ F3 निकाला है किसकी वजह से, तो कैपिटल क्यू का इस कैपिटल क्यू पे, तो F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटा उनके बीच का डिस्टेंस जो था, जो √2R था, तो √2R2। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस क्यू पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, इस क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब हुआ? जब ये 1, 2 का फोर्स जो कि डी से बी के डायरेक्शन में लग रहा था वो इन दोनों के बीच के फोर्सेस के इक्वल हो, यानी कि F1+2 जो फोर्स था वो F3 के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, डेट मीन्स दोनों फोर्स जो लगेंगे वो इक्वल होंगे और उनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने F1+2 इज इक्वल टू F3 किया, यानी ये वैल्यू इसके बराबर किया मैंने। देखिए नेक्स्ट पेज में मैंने दोनों वैल्यूज़ को बराबर किया, आप पीछे से वीडियो रोक के और देख सकते हैं कि किस तरह से वो इक्वल हुआ है। और बराबर करने के बाद इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, और पूरा कैलकुलेशन होने के बाद Q/Q का वैल्यू आ गया 2√2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सॉरी, मैंने गलती से उसमें सी लिख दिया था यहाँ पे, तो मैं इसको बी कर देता हूँ, और बी में आपको इसका वैल्यू दिख रहा है 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से बदलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप दो वस्तुओं को आवेशित करेंगे तो दो कंडीशंस बन सकते हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाए, प्रवेश करे, या उससे इलेक्ट्रॉन निकले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो उसका द्रव्यमान घट सकता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जब आवेश इन करेगा, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन करेगा यानी निगेटिव आवेश बनेगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जब पॉजिटिव आवेश बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे तो उसका द्रव्यमान घट सकता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 5 है, एक सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो मैंने देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखा है कि जो वैद्युत विभव होता है द्विध्रुव के कारण वो एक्सियल पोजीशन में इतना होता है, और नॉन एक्सियल में बस ये 2 गायब रहेगा। ठीक है, तो बी कैसे बदलेगा? तो आर के अकॉर्डिंग, तो बी वेरिजेज अगर सबको कांस्टेंट कर देते हैं तो बी वेरिजेज 1/r2। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सी, बी वेरिजेज 1/r2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि 5 कूलॉम के कितने आवेश को हम लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्रों को, कितने कैपेसिटर्स को हम लेंगे कि हमारा 5 माइक्रोफेराड बनेगा कम से कम। तो देखिए मैंने इसके लिए भी सॉल्यूशन करके रखा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सबसे पहले मैंने एक लिया, तो क्या एक 2 माइक्रोफेराड के एक कैपेसिटेंस को से 5 माइक्रोफेराड निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक संधारित्र खत्म हो गया, दो संधारित्र लिया, पहले मैंने इसको श्रेणी क्रम में डाला यानी सीरीज कम्बिनेशन में, तो इसका फाइनल आ गया 1 माइक्रोफेराड जो कि 5 माइक्रोफेराड नहीं है। फिर देखिए मैंने दो को फिर से यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन किया, तो इसका जो फाइनल है वो 4 माइक्रोफेराड निकला, यहाँ भी 5 नहीं मिला। तीन लिया, तीन को मैंने सबको
पैरेलल कम्बिनेशन में किया तो 6 माइक्रोफेराड आ गया, 5 नहीं हुआ। फिर तीनों को मैंने सीरीज कम्बिनेशन में किया तब भी नहीं आया। फिर दो को मैंने सीरीज पैरेलल में किया, एक को सीरीज में किया तब भी नहीं आया। फिर दो को मैंने सीरीज में किया और फिर एक को पैरेलल में किया फिर भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने 4 लिया और 4 में दो को पैरेलल यानी 2 और 2 4 माइक्रोफेराड और उसके बाद इन दो का 1 माइक्रोफेराड, तो 2, 2, 4 और 1, 5 माइक्रोफेराड आ गया। तो कम से कम हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बदलता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एक कांस्टेंट है, ओनली वो टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो संवहन वेग है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि संवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोला जाता है VD, कि जो संवहन वेग है VD वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या उससे संबंधित। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि VD जो होता है अनुगमन वेग वो विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि V बैरिजेज E, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉरेंस बल का है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ लॉरेंस बल का मतलब हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो फोर्स लगता है उसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रहा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहा, है ना। ये जो है फर्स्ट उसमें ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड्स हैं। ऐसे तो इसमें भी है लेकिन बी और बी दोनों साथ होना चाहिए, है ना। तो बी और बी दोनों साथ है तो ऑप्शन नंबर सी क्यू का ऐसे भी फॉर्मूला होता है, लॉरेंस बल एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से, ऐसे मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम चुंबकीय आघूर्ण के 2 टुकड़ों को, देखिए पावर तो वही रह जाएगा, है ना। उसकी जो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता यानी कि जो चुंबक का मेरा मटेरियल है उसका पावर तो उतना ही रह जाएगा। घट क्या गया, तो घट गया लंबाई, कितना हो गया तो आधा हो गया, तो इसका जो एम चुंबकीय द्विध्रुव है वो भी आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसकी बीमा किसके तुल्य है। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसकी बीमा B²/2ε0 के तुल्य है। ये हाफ इसमें कोई मैटर नहीं करता, यहाँ भी हाफ कोई मैटर नहीं करता। E², B² और ε0 जो ऊपर है वो ये नीचे आ गया है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको बीमा पता है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो 11 का जो डायमेंशन है ये, अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या जो आर है उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो कितनी दूरी पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये √3 क्यू चाहिए हमको, मतलब B/8 करने के लिए मुझे क्यू चाहिए, क्या चाहिए, क्यू, 2/Q। तो 2/Q करने के लिए हमको √3 चाहिए, तभी हम इसका स्क्वायर करके 2/3 कर सकते हैं। इसके लिए एक खास फॉर्मूला है, उस खास फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो आपको B/8 ज्ञात हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। मैं बता देना चाहता हूँ मैग्नेटिक ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका डायरेक्शन होता है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव, उसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी डायरेक्शन, अगर ये चुंबकीय के बदले वैद्युत होता तो ये होता निगेटिव से पॉजिटिव। आप याद रख सकते हैं इसको कि ये पहली ऐसी राशि है जो दक्षिण से उत्तर ध्रुव होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बाकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय बल रेखा या वैद्युत बल रेखा है, सारा का सारा चलता है उत्तर से दक्षिण, लेकिन ये जो चलेगी वो दक्षिण से उत्तर चलेगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो देखिए अर्धवृत्त रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वृत्त रहेगा तो नीचे में वृत्त रहेगा तो इसमें पाई होगा, और अगर अर्धवृत्त रहेगा तो π/2 होगा। तो देखिए m था तो इसके बटा में मैंने π/2 किया तो 2 ऊपर चला गया तो 2m/π हो गया ये, और अगर वृत्त रहेगा तो बटा में ओनली पाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तो कुछ नहीं है, देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जितना आएगा उसके बटा में 10 कर दीजिए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जितना आएगा उसके बटा में 10 कर दीजिए, आपको 0.2 ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रत्यावर्ती धारा इतना आई और विभव भी है तो शक्ति हानि कितनी होगी। तो इसका मैंने सॉल्यूशन अभी नहीं किया है, बट मैं बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन डी है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं दूंगा। और ये तो डायरेक्ट है
कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की विकिरण ऊर्जा ये क्षेत्र होता है ना, तो वो जब आप पढ़ेंगे ये चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र का कौन से एरिया का कितना बन रहा है। तो ये जो आपका बन रहा है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो हमारा है वो एक्स किरण का बन रहा है, एक्स रे का। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक, ये देखिए लेंस के अपवर्तनांक जब बराबर होगा तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम एक एवं माध्यम दो को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग फर्स्ट में भी है तो दूसरा में क्या होगा। तो इसका होता है फॉर्मूला क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट में जो वेलोसिटी होती है इनटू साइन इनटू क्रांतिक कोण बराबर सेकंड में वेलोसिटी, तो उसी से बना है फर्स्ट। ये जो सेकंड वाला निकाले हैं, सेकंड वाला में क्या है, सेकंड इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी, तो सेकंड में जो इसका वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा बी वाई साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है आवर्धन का डायरेक्ट फार्मूला है। उस फॉर्मूला में आप U का वैल्यू पुट कीजिए, आवर्धन M का वैल्यू पुट कीजिए, आपको F का वैल्यू निकाल के दे देगा। इसका वैल्यू 1.2 इंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस आता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान कितना आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है, 5 में प्रकट किया जाता है इसको। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तरंग का कलांतर फाई एवं पथांतर डेल्टा एक्स में क्या संबंध है। तो उसमें जो संबंध होता है वो होता है लैम्डा बटा 2 पाई इंटू फाई, यही संबंध होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1/60, यानी कि पर एक मिनट में 1/60 हमारी विभेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्रोगली तरंग का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, डेब्रोगली तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है h/√2qmv, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसका जब फोटॉन्स की संख्या निकालनी होगी, इसके लिए देखिए मैंने सॉल्यूशन किया है, तो आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, तो इसका न्यूनतम कोणीय संवेग होगा h/2π। ऐसे भी आप ये बोर के परमाणु सिद्धांत से आएंगे तो उसमें है कि कोई इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काट सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, तो न्यूनतम कोणीय संवेग इतना ही होगा h/2π जूल सेकंड बस। नेक्स्ट, आप देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के होती है। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के होती है और परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या में जेड को घटाना होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, इसमें न्यूट्रॉन ही निकालने का रहा था। नेक्स्ट कंडीशन है, नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग सभी संरक्षित होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। फैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है फेसिमाइल टेलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक को अगर ठंडा करेंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और अगर गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा और अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों में और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी मैं जल्द से जल्द अपडेट करूंगा, मैथ्स का भी अपडेट करूंगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ प्राप्त हो सकें, और मेरे इन दोनों वीडियोज़ को भी जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।